अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमैला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में आने वाले शदीद ज़लज़लों की, जिसकी वजह से बलूचिस्तान लरज़ उठा। ज़लज़ले से मकाना, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 20 अफराद जाँ भाग, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। कोयटा, सिब्बी, हरनाई, लोरालाई, दुक्की, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारा, दलसोरा, मुस्लिम बाग, कचलाग, जोब, संजावी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में रात 3:02 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिदत रिएक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई और ज़लज़ले का मरकज़ हरनाई के करीब शिमाल मशरक में 15 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात पेश आए। ज़लज़ला मरकज़ के करीब होने की वजह से हरनाई में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। DG PDMA नसीर नासिर के मुताबिक हरनाई में 70 से ज़ायद मकानात को ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुँचा है। एक सरकारी इमारत भी मुनहदिम हुई है, कई दीगर भी मुतासर हुई हैं। इतलात के मुताबिक मलबे तले दबकर 20 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जिनमें 2 ख़वातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 300 से ज़ायद अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और लिवीज और रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ज़ख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। FC की मेडिकल टीमें भी इमदादी सामान लेकर हरनाई पहुंच चुकी हैं। कोयटा से भी रेस्क्यू टीमें और भारी मशीनरी हरनाई पहुंच रही है। हरनाई और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। ज़लज़ले के बायस हरनाई को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले से मकानात, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 20 अफराद जाँ भाग, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। हरनाई से आपको खबर दे रहे हैं। ज़लज़ले से हरनाई और शाहरग में मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम हो गए हैं। मलबे तले कई अफराद दब गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक ज़लज़ले से अब तक 8 अफराद शहीद हुए हैं। कई अफराद की हालत काफ़ी ख़राब है और ज़ख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमरान अचकज़ई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। इमरान, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जलाफुल्ला, मुस्लिमबाग, कुशला, कुशील, ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आवाम में खौफ हरास फैल गए हैं। कलमा तैयबा के जिक्र करते हुए घरों से बाहर निकल गए। ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो हरनाई और शारक था, जो 5.6 के ज़लज़ले महसूस किए गए हैं, जिससे मुताबिक मकानात मुंदम मले तबले अफराद दब गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक ज़लज़ले से अब तक 8 अफराद शहीद हुए। इंतजामिया की जानिब से हरनाई में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कई अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त लिवीज के टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। DC का कहना है कि PDMA हुकाम से भी राबता किया हुआ है। जी ठीक है। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि जो रात को ज़लज़ला आया था उससे तो नुकसानात का आपने बता दिया, क्या आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है? और अगर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं तो क्या टाइम ड्यूरेशन है और क्या कहना है माहिरीन का? जी, उनका यही कहना है कि ये पहले भी यहाँ पर एक 1977 में भी यहाँ पर एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हमने जो PDMA है उनको भी बुलाया है। तो अभी तक जो है ना और भी हलाकतों का खदशा भी है। जी ठीक है। इमरान, ये भी बताइएगा कि जो लोग दब गए हैं, मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकालने में किस किस्म की मुश्किलात का सामना है रेस्क्यू एहलकारों को? जी, यहाँ पर तो ये शारक जो है ना, यहाँ ये पहाड़ों में है। ये लेवीज जो है ना अपनी मदद आपके तहत अभी 8 अफराद को निकाल कर जो शहीद हुए हैं। कई अफराद जो जमीन बोझ हुआ है उसमें निकालने में मसरूफ है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हमने लेवीज अपने मदद आपके तहत जो मलबा है उनको उठा करके जख्मियों को निकाल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अचकज़ई। मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। हम ख़बर आपसे शेयर करें, बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ले से हरनाई के इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग होने से हरनाई संजावी रोड भी बंद हो गई है। कोयटा सिब्बी समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद ज़लज़ले की लपेट में आए और हरनाई में सबसे बड़ी तबाही हुई, जहाँ मकानात, छतें और दीवारें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हुए, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और इतलात यही मौसूल हो रही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इमदादी कारकुनान नहीं पहुँच पा रहे हैं और वहाँ पर जो अपनी मदद आप के तहत जो मुकामी लोग हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लिविज़ और रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ले से हरनाई के इलाके में लैंडस्लाइडिंग भी हुई है और लैंडस्लाइडिंग होने से हरनावी सजावी शाहरा बंद हो गई है। लीवी अहलकार शाहरा क्लियर करने के काम में मसरूफ़ है, जबकि भारी मशीनरी भी इलाके में पहुंचाई जा चुकी है और शाहरा से भारी पत्थर और मलबा हटाकर शाहरा को क्लियर करने का काम ताहाल जारी है। ज़लज़ले से राब्ता सड़कें भी बंद हुई हैं। तोरगर के इलाके में पहाड़ी तोदा गिरने से हरनाई लोरालाई शाहरा भी बंद हो गई है। बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ला, हरनाई के इलाके में लैंडस्लाइडिंग और लैंडस्लाइडिंग से हरनाई सजावी शाहरा मुकम्मल बंद हो गई है, जिसको खोल इमदादी काम वहां पर जारी है। भारी मशीनरी भी इलाके में पहुंचा दी गई है। बलूचिस्तान में DG PDMA नसीर नासिर ने ज़लज़ले से 15 से 20 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। उनका ये कहना है कि कोयटा में रेस्क्यू टीमें और भारी मिशनरी हरनाई भेज दी गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर भी राब्ते में हैं और अपडेट कर रहे हैं। शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कैजुअलिटीज का आप कह रहे हो तो 15 से 20 के करीब हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुए हैं। जहाँ तक मशीनरी का ताल्लुक है, मशीनरी भी कोयटा से हमने रवाना कर दी, जो रेस्क्यू के जैनों में हमें काम आएगी, और प्लस जो मेडिकल टीम्स है वो भी कोयटा से रवाना होगी। एक शाहरा इलाका है जो कि अरनाई को करीब पड़ता है और अरनाई का तहसील है, वहाँ से भी काफ़ी नुकसान की इतलात मौसूल हुए। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का यह कहना है कि हरनाई के अलावा ज़ियारत, किला सैफुल्ला और सिब्बी से भी नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं। इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तहाल जारी है। शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ख्मियों के दबाव की वजह से कोयटा में भी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जिस वक्त ये ज़िलज़ला आया उसके फौरन आधे घंटे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हुई हैं। यहाँ से जो है इमदादी सामान और अशिया रवाना कर दी गई है, हैवी मशीनरी रवाना कर दी गई है, एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई हैं। दूर दराज इलाके हैं, बड़े फासले हैं यहाँ से देहातों के, तो अभी तक हॉस्पिटल में मरीजों का आना जारी है। ये वसाइल आवाम के हैं, हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए बैठी है। जितने भी जानी माली नुकसान हमारे लोगों की हुई है उनका अजाला करने के लिए हुकूमत जो है अपने लोगों के साथ खड़ी है और इस मुश्किल वक्त में हम अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसके बाद पाकिस्तान भर में जारी है। NCOC ने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 46 अफराद की जिंदगियां निकल चुका है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,032 हो गई है। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 1,453 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 51,343 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 2.82% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 2,934 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मुल्क भर में वार जारी हैं। NCOC ने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से नए आदाद शुमार जारी किए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 46 अफराद की जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,032 हो गए। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 1,453 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों की अगर बात करें तो मुल्क भर में कोरोना के मजीद 51,343 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 2.82% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 2,934 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 1,453 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,032 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 51,343 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 2.82% रही है। न्यूज़ 1 की खबर पर एक्शन। मुल्तान में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कोरोना वैक्सीनेशन की जाली एंट्री करने वाला अहलकार पकड़ा गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरहुमा अहलिया कुलसूम नवाज की भी वैक्सीनेशन की जाली एंट्री मेलसी में कर दी गई है। लीगी रहनुमाओं की गायबाना वैक्सीनेशन जारी। नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहुमा अहलिया को इंतकाल के 3 बरस बाद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी वैक्सीन लगवा गए। न्यूज़ 1 की खबर पर एक्शन लेते हुए मुल्तान जिले इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्रियाँ करने वाले अहलकार आशिक हुसैन को गिरफ्तार करके FIA के हवाले कर दिया। अहलकार आशिक हुसैन ने वैक्सीनेशन सेंटर से इसहाक डार को पहली डोज की जाली एंट्री की। इसहाक डार के अलावा मरहुमा कुलसूम नवाज को वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री मेलसी में की गई। इससे कबल मियां नवाज शरीफ की भी नारोवाल और खैरपुर में वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की जा चुकी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने FIA साइबर विंग को खत लेकर वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की तहकीकात और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तस 83% से ज़ायद बेड्स मरीजों से भर गए हैं। कोरोना के बाद लाहौर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर के 5 बड़े अस्पताल डेंगू के मरीजों से 83.7% तक भर गए। गंगाराम अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए जगह ख़त्म। जिना अस्पताल में 63 बेड्स में से 58 पर मरीज़ मौजूद। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 46 में से सिर्फ 8 बेड खाली, जबकि मेयो अस्पताल में डेंगू के 80 में से सिर्फ 20 बेड खाली हैं। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया, जिसके तहत नए चेयरमैन की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन ओहदे पर बरकरार रहेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे में तोसी मिल गई। सदर मुमलिकत ने दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब के लिए नाकाबिले तोसी का लफ्ज खत्म कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर मौजूदा चेयरमैन को 4 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। मुसद्दे के मुताबिक सदर मुमलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नया चेयरमैन तैनात करेंगे। नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुतफिका फैसला न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी में 12 अरकान होंगे जो इत्तफाक राय पैदा करेंगे या अक्सरीती बुनियाद पर फैसला करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। चेयरमैन के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुनेगी। चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर मुमलिकत जितनी चाहेंगे एहतसाब अदालतें कायम करेंगे। सदर मुमलिकत सूबाई चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस मुकर्रर करेंगे। एहतसाब अदालतों के लिए जजेस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। एडिशनल सेशन जज भी एहतसाब अदालत के जज बन सकेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुलजिम की जमानत या रहाई का इख्तियार सिर्फ एहतसाब अदालत के पास होगा। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से रेफरेंस दायर करेंगे। रेफरेंस मुल्क भर में किसी भी एहतसाब अदालत में दायर किया जा सकेगा। एहतसाब अदालत रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके केस निपटाएगी। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिले जमानत होंगे। नैब मुलजिम को करप्शन की रकम के मसावी ज़र जमानत जमा कराने पर जमानत मिल सकेगी। नैब कानून का इतलाक वफाकी सूबाई महकमों मुकामी टैक्सेशन के मामला पर नहीं होगा। वफाकी सूबाई काबीना कायमा कमेटियों जैली कायमा कमेटियों के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। CDWP PDWP के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कवायद की बाज़ाब्तगी पर अवामी या हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। काशिफ रफीक, News 1 इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीरे इत्तलाआत फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए एक बार फिर शहबाज शरीफ से मशावरत करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, चोर से पूछकर थानेदार नहीं लगाएंगे। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी और फरोग नसीम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि चोरों से पूछकर थानेदार लगाएं, ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब की तैनाती पर अपोजिशन लीडर से हरगिज़ मुशावरत नहीं करेंगे। बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि नैब बड़ी करप्शन पकड़ने के लिए बनाया गया था, इसमें कारोबार और दीगर चीज़ों को शामिल करने से नैब का मेयार गिर गया। हमारी कोशिश है कि नैब को मजबूत बनाया जाए और नैब मुकदमात को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमारी भी ये कोशिश है कि इदारा बने नैब एक तगड़ा इदारा। विफाकी वजीर फरोग नसीम ने कहा कि ऑर्डिनेंस में टैक्स मामलात नैब से FBR को मुंतकिल कर दिए हैं। जमानत के इख्तियारात ट्रायल कोर्ट के पास होंगे। प्ली बारगीन और सजा भुगतने वाले मुलाजमीन ओहदों पर नहीं रह सकेंगे। अब रेफरेंस दायर करने के इख्तियारात प्रोसिक्यूटर जनरल के पास होंगे। प्ली बारगेन की तरह 10 साल डिस्क्वालिफिकेशन है, वो नौकरी पे नहीं रह सकता। और इस अमेंडमेंट का इतलाक रेट्रोएक्टिव है, आज से आगे का नहीं है। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं है, जो VR करके अपनी अपनी नौकरियों पे चढ़े हुए हैं, खुद आप प्यार से रिज़ाइन दे के निकल जाएं, नहीं तो ये इसकी ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देगी। फरोग नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब की तैनाती मुशावरत से ना हुई तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसमें हकूमती और अपोजिशन बेंचेस से 6 मेंबरान शामिल होंगे। कैमरामैन आतिफ यूसुफ के साथ नीलम अरशद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। मरियम नवाज़ ने चेयरमैन नैब को मुलाजमत में तोसी देना गैर कानूनी करार दे दिया है। बोली, उम्मीद है चेयरमैन नैब की तोसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर कहाँ हैं JITs। जिस इंस्पेक्शन कमीशन को इमरान खान चला रहे हैं वो उनकी AGMs के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा। इमरान खान ने अंपायर को साथ मिलाकर साजिश से नून लीग की हुकूमत को गिराया। चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आइनी है बल्कि गैर कानूनी है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी। आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है जो पनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में। आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है। कहाँ है वो पनामा बेंच, आज कहाँ है वो नैब जिसने डे टू डे हमारा केस चलाया, कई सैकड़ों पेशियां हमने भुगती। तो आज कहाँ है वो सब, आज वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत को मरता देख रहा हूँ। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटों में कागजात जारी कर सकते हैं। कल अदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का मुझे कोई इल्म नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की सियासत को दम तोड़ते देख रहे हैं। नून लीग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे में कागजात जारी कर सकते हैं। वो फाटा हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं नवाज शरीफ के सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। भाई अगर आना है तो 24 घंटे के अंदर उसको पासपोर्ट बनता है। इन्होंने आना नहीं, इन्होंने गंद करना है। शेख रशीद ने TTP से मुज़ाकरात के बारे में कहा कि हम मज़ामत के नहीं मफामत के दाई हैं, लेकिन मुझे कल अदम TTP से मुज़ाकरात का कोई इलम नहीं। वफाकी वज़ीर का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क सफर से रोके जाने पर कहना था कि वो अदालत या वज़ारत दाखिला से रजू कर सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर। उन्होंने कहा कि पंडोरा लीक्स की तहकीकात होंगी, जो जवाब नहीं देंगे इनको इदारों के हवाले करेंगे। इमरान खान ने ऑर्डर किया है कि फिलफौर जो लोग पंडोरा बॉक्स में मुलव्वस हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जवाब नहीं दे सके उनको उन अदारों के हवाले करेंगे। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान सेक्रेटेरिएट फाटा हाउस इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों जम्मू कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंसामिया के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। कैमरा मैन मोहम्मद अकील के साथ सरदार हमीद, News 1, इस्लामाबाद। साबिक अटॉर्नी जनरल कादिर का कहना है कि ऑर्डिनेंस से नैब की मदाखलत ख़त्म की गई है, नैब हुकूमती पॉलिसी में मदाखलत नहीं कर सकता। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम में टी एम में गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रोसिक्यूटर जनरल को मज़ीद इख्तियार देने का मकसद चेयरमैन नैब को कमज़ोर करना है। वर्किंग में ये नहीं है नैब इंटरफियर कर सकता इस तरह से कि अगर उनकी कोई डिसीजन मेकिंग है और आप उस डिसीजन मेकिंग से एग्री नहीं करते तो आप लोगों के खिलाफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस बनाएं। तो वो तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। उसके बारे में तो पहले भी एक ऑर्डिनेंस आया था पीछे जो गालिबन ख़त्म हो गया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब आइंदा अदल में हम जो जमहूरियत देख रहे हैं वो उसमें आपस में लगता है इनका कोई मशावरत का अमल जो है वो उसको ख़त्म कर रहे हैं ये, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वो बस। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का चेयरमैन नैब के हवाले से ऑर्डिनेंस के इजरा पर तबसरे से गुरेज। कहा ऑर्डिनेंस का इजरा हुकूमत का आइनी हक है और वो अपना हक इस्तेमाल कर रही है। इस्लामाबाद से बहजाज सलीमी की रिपोर्ट। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूर-उल-हक कादरी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। फाटा के इलाकों के मसाइल के हल के लिए मुत्तफिका हिकमत अमली और कानून साजी करने का ऐलान किया। एक सवाल के जवाब में स्पीकर ने चेयरमैन नैब से मुतल्लिक आर्डिनेंस के इजरा पर रद्द-ए-अमल से ग्रेज किया और कहा आर्डिनेंस का इजरा हुकूमत का आईनी हक है जो वो इस्तेमाल करती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के वज़ीर आज़म के फैसले से मुतल्लिक सवाल पर स्पीकर ने कहा हुकूमत जो काम करती है वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में करती है। हुकूमत को जब चाहिए तो वो तो फिर हाउस में आ जाता है, जब ऑर्डिनेंस पेश हो जाता है तो दूसरे दिन जब इजलास होता है तो उसमें वो लय होता है। तो बहरहाल लेजिस्लेशन पे पूरा काम हो रहा है और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हुकूमत का, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर मज़हबी अमूर नूर-उल-हक कादरी ने भी टीटीपी से मुज़ाकरात के मामला पर मोहतात रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सिर्फ ट्राइबल्स की क्वेश्चन करें तो स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत हो पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। बहजाद सलीमी, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहज़ अमरी का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस वुज़रा और मुशीरों को बचाने का मंसूबा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी आइन और कानून की तौहीन है। शाहज़ अमरी का कहना था कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी जा रही है। मौजूदा चेयरमैन हुकूमती वुज़रा और मुशीरों को रिलीफ देकर मुतनाज़ हो चुके हैं। इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बा स्कैंडल पर कोई एक्शन नहीं। पेंडोरा बॉक्स में शामिल हुकूमती लोगों को भी रिलीफ देने की तैयारी है। एहतसाब एक जैसा होना चाहिए जो इस ऑर्डिनेंस में नज़र नहीं आ रहा। पाक फौज में आला सतह पर तकर्री और तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए DG ISI हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। साबिक DG रेंजर सिंध और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला हो गए। पाक फौज में आला सतह पर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अब ISI की कमान संभालेंगे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। ISPR के एलामिये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर किया गया है, जबकि मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम से अलविदाई मुलाकात की। वजीर आजम ने बतौर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात की तारीफ की और नई पोस्टिंग पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और बलूचिस्तान से आपको अपडेट कर दे। इलाके में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जिले इंतजामिया की मदद के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद बताएगा फौज मुतासरा इलाकों में जिले इंतजामिया की मदद के लिए पहुँच चुकी, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो बलूचिस्तान के इलाके में हरलाई में आज रात गई, जो है गुज़श्ता रात गई जलजला हुआ है और इस जलजले की जो शिद्दत बताई जा रही है उसमें 5.9 थी, जबकि काफ़ी बड़ी इलाके में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पाक फोर्स के दस्ते जो है वहाँ पे हरनाई में इस वक्त पहुँच चुके हैं और वहाँ पर इमदादी कामों का सिलसिला इस वक्त जारी है। जलजले से मुतासर आबादी के लिए पूरी खुराक आर्मी प्लागाएँ हैं, आर्मी के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और जरूरी अद्वियात जो है वो सिविल इंसानिया की मदद के लिए जो है पूरी तौर पर पाक फोर्स के जो दस्ते हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं मुतासरा इलाके में। और 9 शदीद जो जख्मी अफराद थे उनको अभी तक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया है। और इसके साथ साथ IGFC बलोचिस्तान जो है वो इस वक्त अफेक्टेड एरिया में मौजूद है। अब वहाँ पे उन्हें फौरी तौर पर पहुँचने का हुक्म दिया गया था ताकि वो तखमीना लगा सकें इस जो अर्थक्वेक हुआ है इससे कितने लोग मुतासर हुए हैं और कितनी आबादी को इससे नुकसान पहुँचा है। और मुतासर शहरों को बचाने के लिए इस वक्त पाक फौज की मुख्तलिफ टीमें जो है वो हरनाई में पहुँच चुकी हैं और इस वक्त इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। जी ये भी बताएगा कि जिन अफराद जो जांबाहक हो चुके हैं उनमें कितनी खवातीन और बच्चे शामिल हैं? जी बिल्कुल, अभी इस बात का तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है। ताहम ये बताया जरूर गया है कि बच्चे, खवातीन और काफ़ी तादाद जो है लोगों की इसमें बुरी तरह असर हुई है और अभी तक मुकम्मल डिटेल जो है वो ISPR की जानिब से शेयर नहीं की गई। 9 जख्मियों का बताया गया है कि उन्हें 26 जख्मियों को पूरी तौर पर कोयटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम इसमें यकीनन बच्चे, खवातीन और घरों में सोए हुए अफराद जो जलजला ऐसे वक्त में आया, अलग सुबह जब लोग सोए हुए थे और उस टाइम में जलजला आया है। और इसका मरकज भी हरनाई जो बलोचिस्तान के करीब इलाका है वो बताया जा रहा है। तो इससे काफ़ी बड़ी तादाद जो है लोगों की मुतासर हुई है। ताहम जो डेथ टोल है वो अभी तक बताया नहीं जा सका एग्जैक्टली कि कितने लोग इससे जांबाज हुए हैं और कितने जख्मी हैं। ताहम इस बात का तखमीना जो है वो अभी लगाया जा रहा है और कुछ ही देर में इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद। मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। कोयटा, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में ज़लज़ला आया है। हरनाई के रिहायशी मुजफ्फ़र खान ने सिविल अस्पताल हरनाई के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मरीज़ों को कोयटा मुंतकिल करने में ताख़ीर की जा रही है। हम समझ रहे थे कि रातों रात जख्मियों को शिफ्ट किया गया होगा, लेकिन मरीज़ अब तक बेसहारा और लावारिस पड़े हुए हैं। मुजफ्फ़र खान तरीन इस वक्त सिविल अस्पताल हरनाई में मौजूद, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, 7:15 के टाइम हो रहा है। 3 बजे ज़लज़ला हुआ है, लेकिन अभी तक जितने सीरियस मरीज है वो सब अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनको कोयटा रेफर करने के लिए एम्बुलेंसों का इंतजार है जो अब तक नहीं पहुंचे हैं। और हमें सुनीद में आया है कि हमारे बलोचिस्तान हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा हुआ है। अब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो कि ये सीरियस मरीज हेलीकॉप्टर के इंतजार में यहाँ रहे और वो हेलीकॉप्टर न पहुँचे। हम आला हकाम से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इस हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाए और मरीजों को कोयटा रेफर किया जाए। हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जबकि टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए गंदम की दस्तियाबी पर भी गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो कि आज होने जा रहा है, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है, जबकि इजलास में नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम की समरी पेश की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए गंदम की फराहमी की समरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो कि आज होगा, इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जबकि टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी भी आयद किए जाने का इम्कान है और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए गंदम की दस्तियाबी पर भी गौर किया जाएगा। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस अहम खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। राहिल हसन बताइएगा, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसका इजलास आज हो रहा है, जिसके अंदर 8 को काफी एजेंडा जेर गौर आएगा। मुल्क में जो बढ़ती टमाटर और प्याज की कीमतें हैं उसके ऊपर वजारत खुराक की जानिब से एक समरी पेश की जाएगी जिसमें इस तरह की जाएगी कि मुल्क की जो पैदावार है टमाटर और प्याज की उसकी एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दी जाए, तो उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। और इसके साथ साथ इजलास में नेशनल रेमिटेंसेज लॉयल्टी प्रोग्राम की समरी भी पेश की जाएगी और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के लिए जन जन की दस्तियाबी पर भी गौर होगा। इसके साथ साथ जो कपास की कीमतों का तयन है वो भी कमेटी करेगी और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए गंदम की जो फराहमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक को आगे बढ़ाते हैं। नए डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का वसी तजुर्बा रखते हैं। डीजी आईएसआई तैनात किए जाने से कबल वो कोर कमांडर कराची थे। उनकी पेशा वराना जिंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नए सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन जरबयाज में कमांड किया। वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज कोयटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का वसी तजुर्बा रखते हैं। उनका ताल्लुक 78वें लॉन्ग कोर्स से है। वो किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर की डिग्री रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलूचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो DG ISI तैनात किए जाने से पहले कोर कमांडर कराची थे। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर रसूलपुर कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने से गंदगी का ढेर लग गया है। अहले इलाका शदीद परेशान है। हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के रसूलपुर कब्रिस्तान में, जहाँ पे सूरत हाल ये कि चार दीवारी ना होने की वजह से जो कब्रिस्तान है वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं। इस हवाले से जो इर्द गिर्द के अहले इलाके उनका यही कहना है कि कई मरतबा मुतलका हुकाम को दरख्वास्तें दी गई हैं कि कब्रिस्तान में से सफाई की जाए और चार दीवारी भी बनवा दी जाए ताकि ये जो गंदगी की सूरत हाल ये ख़त्म हो सके, लेकिन कोई इस हवाले से इकदाम नहीं उठाए गए। मेरे कारण में दिखा सकता है कि यहाँ पर कब्रिस्तान के दरमियान में कितनी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कूड़ा करकट यहाँ बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो फातह के लिए आते हैं शहरी या अहले इलाके उनको शीर्ष परेशानी का सामना। उनका यही कहना है कि कई मरतबा इस हवाले से मुतलका हुकाम को कहा गया, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी वाकई नहीं हुई क्योंकि चार दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पे जो गंदगी के अंबार लग जाते हैं। अगर चार दीवारी कायम कर दी जाए तो यहाँ पे ये सूरत हाल पैदा ना हो सके। उन्होंने मुतालबा किया गया अहले इलाके ने फौरी तौर पर जो मुतलका हुकाम है ज़िली इंतजामिया वो यहाँ से पहले तो पूरे कब्रिस्तान में से सफाई का बंदोबस्त करे, पूरा क्रिकेट को साफ। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। और अब आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ मुराद अली शाह साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं अपने पौधे छोड़ने के तो बाकी लोगों को तो कहते रहते हैं, लेकिन इनको भी पहले से ही कहा हुआ है ना। जो आजकल वो नए नए टर्म चल रहे हैं इंटरनेशनल सादिक और अमीन और पता नहीं क्या क्या, तो ये जो 2016 में कह दिया था कि वो सब चोर हैं जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ये जो कुछ गुजरा के निकले उनको तो अलग करें ना भाई काबीना से। इस्लामाबाद में वज़ीर आला मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ वन के साथ